मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। हसनापुर विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा भाजपा विधायक दिनेश खटीक के खिलाफ पुराने मुद्दे भी उभर कर सामने आ गए हैं। एक साल पूर्व वरिष्ठ अधिवक्ता ओंकार तोमर द्वारा की गई आत्महत्या का प्रकरण भी आज गुर्जर बाहुल्य गांव करीमपुर में छाया रहा। ओंकार तोमर के बेटे ने मंच से बताया कि किस तरह और किन हालातों में उनके पिता को फांसी का फंदा चुनना पड़ा। बेहद मार्मिक शब्दों में ओंकार तोमर के बेटे ने इस संपूर्ण कांड के लिए मौजूदा विधायक दिनेश खटीक को जिम्मेदार बताया। याद दिला दें कि बीते 13 फरवरी को वरिष्ठ अधिवक्ता ओंकार तोमर ने आत्महत्या कर ली थी। अपने सुसाइड नोट में ओंकार तोमर ने भाजपा विधायक दिनेश खटीक समेत कई लोगों को जिम्मेदार बताया था। अधिवक्ताओं ने इसे लेकर कई दिनों तक कचहरी का कामकाज भी ठप रखा था। मंच से ओंकार तोमर के बेटे ने यह कहा। जबकि हमारा फैसला 20 जनवरी को हमारी कम्युनिटी के लोगों ने मवाने में बैठा के करा दिया था और उसमें जाने जमाने की बात थी, लड़की भी जा रही थी और हम भी राजी थे, लड़की भी आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कम्युनिटी के ये इसके उधर के इसके जो बुर्के थे वे लेकर आए कि चलो दिनेश खटीक से तुम्हें मिलवाते हैं। दिनेश खटीक से मिलवाया उनको, मतलब जो मेरे पे थे ससुराल या उन्हें मिलवाया दिनेश खटीक से। ये गुर्गे थे, मैं नाम बता दूं सभी के, संतरपाल मुनेंद्र प्रधान निडावली, संतरपाल धर्मपाल और बहुत सारे हैं, सबके नाम क्या बताऊं मैं, ये लेकिन तीन तो मुख्य हैं जो आपको बता रहा हूं मैं, तीन कुंडा धर्मपाल ये तो मैन है, बहुत बड़ा मुखिया है, सोमपाल संगीत सोम का बहुत बड़ा दलाल है। तो ये इन्होंने स्टार्टिंग कर दी अपनी, दिनेश खटीक के यहाँ आए। दिनेश खटीक ने मेरे पापा जी को, मतलब हमारे घर पर, मैं यहाँ रहता नहीं था, मैं रहता था इलाहाबाद, इन्होंने हमारे घर पर पुलिस भेजनी स्टार्ट कर दी बिना किसी रीजन के। जबकि हम मुकदमा लिख रहा है खतौली थाने में, पुलिस आ रही मवाना थाने की पुलिस क्यों जाएगी जी हमारे घर पे। चलो चली गई, कोई बात नहीं। जब हमारा फैसला हुआ, उसके बाद फैसला होने के बाद ये जो है इसने पापा जी मेरे घर पे बुलाए कि भाई मैं तेरा फैसला कराऊंगा अपनी तरीके से। पापा जी ने कहा ठीक है जी करा लो। तो इसने अपने यहाँ पे रजपुरा फार्म में इसका इसने वहां पे मीटिंग रखी है। मीटिंग रखने के बाद पापा जी वहां गए, हम भी गए, मैं तो गया नहीं था, हमारी तरफ से गए कुछ लोग इसकी तरफ से गए। तो जो बात हमारी बन रही थी, बनी बनाई बात इसने जबरदस्ती वो खत्म कराई। 15 लाख रुपए सारा सामान वापस, चीज सब सामान वापस। पापा जी मेरे मान के चलो जी ठीक है, सब सामान वापस कर रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, सब 15 लाख रुपए भी हो गए थे। वो टाइम था 2 महीने 15 लाख रुपए देने का और चीज और सामान सब चीज वापस करने का टाइम था वो। उसके बाद इसने क्या काम करा, 15 लाख रुपए में तय हुए हो जाने थे लड़की पक्ष को, इसने हमारे घर पे भेजनी स्टार्ट करे गुंडे, बैर बेचे हमारे घर पे मुनेंद्र प्रधान निडावली, जिसकी फोटोज भी है मेरे पास मोबाइल में और शायद मुझे लग रहा है कि सभी ने देख भी होंगी, सबके मोबाइलों पर कनेक्ट हो गई थी, ऐसा नहीं है कि किसी के पास नहीं होंगी। तो उन्होंने क्या बात करनी स्टार्ट करी कि 15 लाख तो लड़की पक्ष पर जाएंगे भैया, 10 लाख और लेंगे विधायक जी, क्योंकि विधायक जी को तो कुछ बच नहीं रहा। विधायक जी ने 10 लाख रुपए की आदर से मांग करनी स्टार्ट कर दी। एक जनरल साथी कहां से लाए थे पैसे, अनैतिक दबाओ, मेरे पापा जी जा रहे हैं भाई। मैं बोलता हूँ कि दिनेश खटीक का मैंने कोई पर्चा भी देखा था 2016 से पहले लगा हुआ, कहीं नहीं देखा ना। तो जो लोग तुम्हारे बीच में रह रहे हैं, दिन रात तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए तो तुम जागरूक नहीं हो रहे। और जो आदमी 2016 में पता नहीं कहाँ से भट्टे पर उठ के आया और आगे उसे बना दिया तुमने मंत्री, मंत्री पद दिलवा दिया उसे, क्या हुआ है अभी बाढ़ में, पता है तुम्हें यहाँ क्या हुआ है अभी बाढ़ में, बाढ़ की क्या इन्हें पानी छुड़वाया सारे के सारे गेहूँ, मतलब इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।